हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑटोमोटिव कैफे। तो ये हमारे सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें आपको कर्व वेट एंड ग्रॉस व्हीकल वेट दोनों की डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड अगर आपको नहीं पता कि इस सीरीज में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं तो उसके ऊपर हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो पहले बात करते हैं कर्व वेट की। इसको आप अनलेडन वेट भी बोल सकते हो। तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी कार का जो टोटल वेट होता है विद ऑल द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स एंड ऑल द कंज्यूमेबल्स लाइक ब्रेक ऑयल, एंजिन ऑयल, गियरबॉक्स ऑयल एंड 90% जो फ्यूल इन योर फ्यूल टैंक एंड अदर फ्लूइड्स जो आपकी कार में रिक्वायर्ड होते हैं। बट यहाँ पे हम पैसेंजर्स एंड लगेज का वेट कंसिडर नहीं करते, मतलब ये वेट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। इसके सिवाय आपकी कार का जो वेट है विथ ऑल द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स इसको हम कर्व वेट बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कर्व वेट का मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की कि कर्व वेट आपकी कार में कैसे इम्पैक्ट करता है। जितना कर्व वेट आपकी कार का लो होगा उतना ही आपको आपकी कार में हायर परफॉर्मेंस एंड हायर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। एंड द मेजर एडवांटेज इज दैट जितना कर्व वेट लो होगा उतना ही आपको उस कार में फ्यूल माइलेज ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। इसके कारण ही जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस पे फोकस करते हैं कि वो उनकी कार का कर्व वेट जितना लो हो सके उतना रखे। एंड ऑन द अदर साइड हायर कर्व वेट के उतने एडवांटेजेस है, जितना कर्व वेट आपकी कार का ज्यादा होगा उतना ही आपकी कार मोमेंटम ज्यादा देगी, मतलब आपकी कार हाई स्पीड पे स्टेबल रहेगी। एंड ड्यूरिंग कोलिजन मतलब एक्सीडेंट के टाइम में आपको हायर कर्व वेट वाली कार्स में सेफ्टी ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू लो कर्व वेट वाली गाड़ियां। बट ऐसा नहीं कि लो कर्व वेट में सेफ्टी कम होती है, बट कंपेयर टू लो कर्व वेट हायर कर्व वेट में थोड़ी सेफ्टी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। Now let me explain this by an example. तो एक तरफ लेते हैं मारुति सुजुकी डिजायर एंड दूसरी तरफ लेते हैं टाटा टिगोर। हमने ये दोनों कार इसीलिए लिए क्योंकि दोनों सेडान कार्स हैं एंड दोनों में आपको इंजन कैपेसिटी सेम दिखने को मिलती है 1.2 लीटर इंजन। यहाँ पे डिजायर का कर्व वेट है 860 टू 895 किलोग्राम्स एंड टिगोर का कर्व वेट है 992 से 1024 किलोग्राम्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो डिजायर में कर्व वेट लो है इसके कारण आपको माइलेज अच्छी देखने को मिलती है 24 किलोमीटर पर लीटर एंड टिगोर में कर्व वेट थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से माइलेज थोड़ी सी कम दिखने को मिलती है 20 किलोमीटर पर लीटर। बट ड्यू टू हायर कर्व वेट ऑफ कोर्स टाटा की कार है तो उसमें आपको सेफ्टी ज्यादा दिखने को मिलेगी। सो दोनों कार के अपने अपने एडवांटेजेस है। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हायर कर्व वेट एंड लोअर कर्व वेट आपकी कार में कैसे इंपैक्ट करता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हुई कर्व वेट की। तो बात करते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट की। सेकंड ग्रॉस व्हीकल वेट। ग्रॉस व्हीकल वेट को आप लेडन वेट भी बोल सकते हो। अब ग्रॉस व्हीकल वेट का मीनिंग ये है कि इट इज द वेट ऑफ द व्हीकल विद ऑल द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स। यानी कि इसमें कर्व वेट तो आएगा ही बट साथ ही साथ पैसेंजर प्लस लगेज कंपार्टमेंट ये दोनों का भी वेट इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे कर्व वेट एंड ग्रॉस व्हीकल वेट का डिफरेंस ही इतना है कि कर्व वेट में सिर्फ कार का वेट आता है बट ग्रॉस व्हीकल वेट में कार का वेट के साथ ही साथ पैसेंजर एंड लगेज दोनों का भी वेट इंक्लूड होता है। तो अब बात करते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट के इम्पोर्टेंस की। तो यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट आपकी कार में उतना ही अफेक्ट करता है जितना कर्व वेट करता है। मान लो कि आपकी कार की पैसेंजर कैपेसिटी 4 लोगों की है एंड फॉर एन एग्जाम्पल आपकी कार का ग्रॉस व्हीकल वेट 1300 किलोग्राम का है। सो आपको इसको फॉलो करना है, आप इससे ज्यादा अपनी कार में वेट कैरी नहीं कर सकते। अगर आप अपने व्हीकल का ग्रॉस व्हीकल वेट फॉलो नहीं करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक आपकी कार की ब्रेक एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, आपके सस्पेंशन डैमेज हो सकते हैं एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा एंड फिर आपकी कार जितनी अच्छी आपको माइलेज प्रोवाइड कर सकती है उतनी अच्छी माइलेज प्रोवाइड नहीं करेगी। सो बेटर है कि आप अपनी कार की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट को फॉलो करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ग्रॉस व्हीकल वेट की। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कर्व वेट एंड ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है एंड आपके व्हीकल पे कैसे इम्पैक्ट करता है। बट अभी भी आपकी अगर क्वेरी रह गई हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।